हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तड़के वाली अरहर की दाल। तो सबसे पहले मैंने अरहर की दाल को वॉश करके पकने के लिए रख दिया हुआ है। इसमें मैंने हरी मिर्च डाली हुई है दो चार कट करके, नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम और इसको हम सीटी लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम इसमें हम 5 सीटियाँ लगाएंगे। ओके, जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हमने देखिए तड़के के लिए तैयारी कर ली हुई है। देखिए मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन के लिए जैसे बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा प्याज लिया हुआ है बारीक कटा करके, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा जीरा, धनिया ऊपर से डालने के लिए लिए हैं। ठीक है, आप लोग लहसुन इस वक्त ठंडक स्टार्ट हो चुकी है तो ठंडक में लहसुन काफ़ी फ़ायदा करता है, तो लहसुन की क्वांटिटी अगर थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो सर्दी से भी आराम मिलेगा आपको, तो इसलिए हमने लहसुन का थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ली है, 8 से 10 कली ली हुई है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए 5 सीटियाँ लगाने के बाद हमारी दाल करीब पक गई है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं गलाएंगे, इतना ही रखेंगे, 5 सीटियाँ इसके लिए सफिशियंट हैं। अब हम इसको तड़के के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, देखिए 5 सीटियों के बाद हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। अब इसके इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले 1 चम्मच बड़ा सरसों का तेल डाला हुआ है और ये हमारा तड़के की तैयारी थी पहले से। हमारा गर्म हो चुका है इसलिए हमने लहसुन डाल दिया है और इसमें प्याज भी डाल देंगे। इन दोनों को अच्छे से पकने देंगे ब्राउन होने तक का। तो ये हमारा प्याज और लहसुन तड़कने लगेगा हल्का हल्का सा, इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। लहसुन प्याज और हरी मिर्च पक के तैयार हो चुका है, हल्का सा कसर है, तो इसमें हम जीरा भी डाल देंगे। जीरा को अच्छे से चटका लेंगे। जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा उसके बाद इसमें हम दाल को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा लहसुन वगैरह पक के तैयार है, छौंक लग गया है। तो फ्रेंड्स छौंक लगने के बाद हमारी दाल कुछ इस तरह से दिखती है। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे, इससे हमने बारीक कटा हुआ था हरी धनिया, और ये हमारी दाल बनके तैयार है। इसे हम दाल चावल या रोटी या फिर पापड़ के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच।